नमस्कार, वोकल न्यूज शेड्यूल में आपका स्वागत है। बीते शुक्रवार को शेड्यूल के ब्योहारी के देवलोन थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। जानकारी है कि यहां पर एक दुकानदार के साथ कुछ ग्राहकों ने सिगरेट के पैसे मांगने पर मारपीट की और इतनी बुरी तरह पीटा कि दुकानदार की मृत्यु हो गई। घटना देवलोन थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। यहाँ पर MPEB कॉलोनी के वार्ड नंबर 1 पर रहने वाले अरुण कुमार सोनी उर्फ पप्पू सोनी, जो MPEB चौराहे के पास ही अपने एक दुकान की टपरी चलाते थे, वहां शुक्रवार की रात को 4 लोग आते हैं और सिगरेट उनसे मांगते हैं। दुकानदार द्वारा जब सिगरेट के पैसे की मांग की जाती है तो शराब के नशे में धुत इन लोगों द्वारा दुकानदार से मारपीट की जाती है और इस तरह मारपीट की जाती है कि दुकानदार अरुण सोनी की मृत्यु हो जाती है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने भी इस घटना की इसी तरह की प्रामाणिकता सिद्ध की। अरुण सोनी के पुत्र अतुल सोनी और अन्य भाइयों द्वारा जब पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो पुलिस ने तो पहले कार्यवाही करने में थोड़ी देरी की और उसके बाद मौके से उन्हें अस्पताल के लिए भेज दिया और अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना में आरोपी विराट सिंह, संदीप सिंह, मोनू खान और पंकज वैश्य के नाम बताए जा रहे हैं, जिनमें से कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था और 1 आरोपी पर इनाम रखा गया था जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इन 4 आरोपियों को न्यायालय में पेश करके न्यायिक कार्यवाही की गई है और जेल भेज दिया गया है। लेकिन परिवार के सदस्य अतुल सोनी द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने कार्यवाही करने में देर की और आरोपियों को भागने दिया। इस तरह की आपराधिक घटना निश्चित तौर पर ब्योहारी और देवलोन के लिए एक आश्चर्य की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की दुखद घटनाएं फिर सामने ना आए और ना ही किसी को इस तरह मौत का शिकार होना पड़े। धन्यवाद। देखते रहिए वोकल न्यूज़ शेड्यूल।